सैंडविच। गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम बनाते हैं चॉकलेट सैंडविच। गाइस, चॉकलेट सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, डार्क चॉकलेट ग्रेट किया हुआ, चॉकलेट सिरप, आप कोई भी चॉकलेट सिरप यूज कर सकते हैं, और मेल्टेड बटर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चॉकलेट सैंडविच बनाने के लिए। गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सैंडविच। गाइस, चॉकलेट सैंडविच बनाते वक्त एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि इसके जो ब्रेड के एजेस हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, क्योंकि इन एजेस की वजह से ही हमारा जो सैंडविच है वो क्रिस्पी और क्रंची बनेगा, जिससे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर मेल्टेड बटर लगाते हैं। बटर इस पर अच्छे से लगाएं, चारों तरफ फैलाएं। ये देखिए, इसी तरह अब हम दूसरे इस पर भी बटर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। गाइस, इन दो स्लाइस पर हमने मेल्टेड बटर लगा दिया है, इसी तरह हम बाकी स्लाइस पर भी मेल्टेड बटर लगाएंगे। गाइस, इन दो स्लाइस का हमें एक चॉकलेट सैंडविच बनाना है। यहाँ पर हम दो सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए हमने चार स्लाइस पर मेल्टेड बटर लगा दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप अच्छी तरह से इस पे फैलाएं चारों तरफ। ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी स्लाइस पर भी इसी तरह से लगा देंगे। इसे भी अच्छे से फैलाएं। ये देखिए। गाइस, हमने इस पर चॉकलेट सिरप लगा दिया है, अब हम इस पर लगाएंगे ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ फैला कर डाले। गाइस, ये चॉकलेट सैंडविच है, इसके लिए चॉकलेट डालते वक्त कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम सबको ये चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पर भी इसी तरह से ग्रेट किया हुआ चॉकलेट डाल देंगे। गाइस, अब हम इस पर दोबारा डालेंगे चॉकलेट सिरप, लेकिन इस बार हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस ये चॉकलेट सिरप डालने के बाद इसे फैलाए नहीं, बिकॉज ये चॉकलेट सब तरफ से निकल जाए। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये जो हमने स्लाइस रखा हुआ है मेल्टेड बटर लगाकर, इस पर लगाकर हम अब इसे फोल्ड करेंगे इसी तरह से। ये भी स्लाइस इस पर रखें, बटर लगा हुआ साइड जो है ये इस पर रखें और इसे फोल्ड करें इस तरह से। अब हम इसे टोस्ट करेंगे।
गाइस हमने जो सैंडविच तैयार किया है उसे अब हम ग्रिल करेंगे। इसके लिए पहले हमें ग्रिल के ऊपर मेल्टेड बटर लगाना है। इसे अच्छे से ग्रिल के ऊपर बटर लगाएं। बटर लगाने से हमारा सैंडविच जो है वो क्रिस्पी बनेगा। और अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसे पैन के ऊपर भी बना सकते हैं। गाइस ये जो सैंडविच हमने तैयार किया है वो इस पर अब रखेंगे हम। ये देखिए इस तरह। और अब इस पर भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। गाइस सैंडविच जब हम टोस्ट करते हैं तो एक बात ध्यान में रखें, जो सैंडविच टोस्टर है उसे पहले हम गरम कर लें। और जब सैंडविच टोस्टर गरम हो जाए तो उसे हम उसके बाद में हमने 5 मिनट के लिए सैंडविच को टोस्ट करना है। हमने सैंडविच को टोस्ट कर लिया है और ये देखिए गोल्डन ब्राउन ऐसे कलर हो जाए तो फिर उसे निकाल लें। गाइस हमारा ये जो सैंडविच है तैयार हो चुका है। हमने इसे 2 भागों में कट कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट। गाइस हमारा ये चॉकलेट सैंडविच अब तैयार हो चुका है।